जींद जिले का गांव जीवनपुर दूसरे गांव के लिए मिसाल बना है। 45 वर्ष के 100% लोगों ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली है। सिर्फ 25% लोगों को ही दूसरी डोज लगनी बाकी है। गौरतलब है कि लगभग 1150 की आबादी वाले गांव में आज तक कोई कोरोना संक्रमित नहीं हुआ है और ना ही गांव में इससे कोई मौत हुई है। अलेवा खंड के इस गांव के ज्यादातर लोग शिक्षित हैं। कोरोना की पहली लहर आते ही गांव की 11 सदस्य कमेटी ने स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर लोगों को जागरूक किया। गांव में वैक्सीन की पहली डोज 24 मार्च को व दूसरी डोज 14 मई को लगाई गई थी। 25% लोगों को भी वैक्सीन की दूसरी डोज में 12 सप्ताह के अंतर के नए आदेश के कारण नहीं लगी। जिला नोडल अधिकारी एवं उप सिविल सर्जन डॉक्टर नवनीत ने बताया कि जीवनपुर अन्य गांवों के लिए उदाहरण बना है। विभाग ने कार्यकर्ताओं और गांव को सम्मानित करने के लिए सिफारिश की है। गांव के लिए कि भाई जो कोविड वैक्सीनेशन है वो पूर्णतः सुरक्षित है, उन्होंने उस पर भरोसा जताया है और मेरा बाकी ग्रामवासियों से भी यही अनुरोध है कि वो जीवनपुर की तरह आगे आएं और अपना कोविड वैक्सीनेशन कराएं। जो गांव में कार्य करने वाले हमारे स्वयंसेवी हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं और ग्राम पंचायत है, इन सब के सम्मान के लिए हमने प्रशासन को अनुमोदना की है कि आप इनको सम्मानित करें ताकि और लोगों के लिए भी वो एक मिसाल की तरह उनको पेश किया जा सके। गांव के निवर्तमान सरपंच जयनारायण का कहना है कि जब ये गांव में महामारी आई तो गांव वाले डरे हुए थे। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को समझाया तो सभी ने वैक्सीन लगवा ली। आई हमने स्वास्थ्य विभाग की टीम और ग्राम पंचायत ने मिलकर गांव वालों को समझाया, क्योंकि गांव वाले लोग महामारी से डरे हुए थे और इस वजह से गाँव में खौफ का माहौल बना हुआ था। उसको समझाने के बाद सारे गाँव ने वैक्सीन की डोज लगवाई और कोरोना महामारी से छुटकारा पाने के सुझाव समझे। 100% वैक्सीन लग चुकी है पहले वाली डोज, और जो दूसरी डोज थी वो 80% मेरे ख्याल से 80 से प्लस लगी है, कि उसका भी एक रीजन रहा, नहीं तो वो भी 100 ही लगती। उसमें सरकार द्वारा कुछ दिशा निर्देश चेंज कर दिए गए जिसकी वजह से वो 3 महीने या 4 महीने का टाइम दे दिया।